Hi, Sanjana, here to teach you mathematics. हमने अभी अपना chapter 8 complete किया है trigonometry. मैंने उसमें आपको पढ़ाई थी और मैंने बोला था कि उसमें मैंने आपको जितना भी concept बताया है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आज हम अपना next chapter start करेंगे जिसका नाम है sum applications of trigonometry. मतलब कि इसमें हमारी पूरी trigonometry use होगी. तो जो main concept है जो इस exercise में हमारा use होगा height and distance में. मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी टावर की हाइट पता करनी है, किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, तो हम ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि उस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, या फिर हम बिल्डिंग पे खड़े हो जाते हैं जाके देखते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं. ऐसे नहीं मेजर करते हैं. हमें चाहे बड़ा से बड़ा टावर हो, हमें उसकी हाइट मेजर करनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि उसके जो अपर पोर्शन होगा, उसका जो अपर पोर्शन होगा, वहां से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बेस तक. हाँ, और राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या करेंगे, उसकी हाइट एंड डिस्टेंस पता करते हैं. ठीक है. अब जैसे कि हमें रिवर की चौड़ाई, मतलब रिवर की विड्थ हमें अगर मेजर करनी है, तो हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि हम जाएंगे पहले तैर के देखेंगे इस किनारे से जाकर उस किनारे तक जाएंगे और तैर के देखेंगे कि रिवर हमारी कितनी चौड़ी, क्योंकि रिवर तो बहुत बड़ी होती है. तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते. हम क्या करते हैं, बस जहाँ से हम देख रहे हैं वहीं से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लगाकर उसकी हाइट विड्थ मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो कोई कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का. और हाइट एंड डिस्टेंस में जो एप्लीकेशन हमारे हैं, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें से आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. सबसे पहली चीज जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था. क्या बताया था, पंडित बदली प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ऐसे क्या होता है हमारा साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. ठीक. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक. और बाकी के जो तीन रेशियोस बचे, जैसे कि कॉस ऑफ थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है. तो ये वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन कॉस थीटा. तो वो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. ठीक. cot theta को क्या लिखते हैं हम, 1 upon tan theta. वो क्या होता है हमारा, base upon perpendicular. ठीक. एक तो आपको ये याद रखना है. दूसरी चीज सब में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या क्या थी मैं हमारी, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक. पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. एक आपको ये याद रखना है. और पाइथागोरस का हम यूज कहां करते हैं, जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं और तीसरी साइड में फाइंड आउट करनी होती है, तो हम पाइथागोरस का यूज करते हैं. तीसरी चीज, मैंने आपको कुछ एंगल्स बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, टी रेशियोस की वैल्यू उनके बताए थे. ठीक है. तो एक चार्ट बताया था मैंने आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ये चार्ट था साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 40, 60, 90 पे क्या क्या होती है वो याद करने का तरीका बताया था मैंने. क्या बताया था, अंडर रूट 0/4. ठीक. क्या बताया था, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4. ठीक. इससे आप सिर्फ साइन थीटा की याद रखने की वैल्यू 0/1/2, 1/2, √3/2, 1. ठीक. कॉस थीटा का निकल जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे. टैन थीटा का साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा. टैन थीटा का निकल जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे, कॉट थीटा आ जाएगा हमारा. फिर कॉस थीटा 1/sin थीटा. ठीक. ये वैल्यूज मिल जाएंगी और इसका रिवर्स कर देंगे sec थीटा. अगर आप रिवर्स ना करें तो sec थीटा कैसे निकलेंगे, 1/cos थीटा करके. मतलब कि आपको ये चार्ट याद रखना है. तो इस एक्सरसाइज में आपके तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहला जो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, ठीक, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा ये चार्ट. ठीक. ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है आपकी, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्या है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि आपको किसी कभी टावर की हाइट पूछेगा, कभी बिल्डिंग से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कोई भी कार है या कोई भी बस है वो कितनी दूर है ये पूछेगा. ठीक है. तो अब हम मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी. बस आपको ये तीन चीजें जो मैंने बताई वो आपको याद रखनी है. ठीक है. आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, और मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी. तो आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हमारे टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम के लिंक पे जाकर आप हमारा नोट्स देख सकते हैं. ठीक है. तो अब जैसे कि हमारा टावर है, मतलब कि कुतुब मीनार जैसे मैंने ले लिया. ठीक है. अब कुतुब मीनार तो बहुत ऊंची है. ठीक. तो हमें उसकी हाइट पता करनी, तो हम कैसे पता करेंगे, ये थोड़ा ना करेंगे कि कुतुब मीनार के ऊपर चले जाएंगे और वहां से देखेंगे कि हम कितनी ऊंचाई पर है. हम क्या करेंगे,
जैसे हम यहाँ पे हैं ऑब्जर्वर, ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर, ठीक, ये हमारा है ऑब्जर्वर, हम यहाँ से देख रहे हैं, नीचे से हम देखेंगे कुतुब मीनार को, ठीक है। तो कुतुब मीनार के जब अपर जब टॉप पे हम देख रहे होंगे वो हमारा क्या होगा लाइन ऑफ साइट, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हम किसी बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं, तो जो बिल्डिंग का टॉप है हमारी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक। अच्छा अब जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के बेस से और हमारा बेस जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इतना समझ में आया, एक जो हमारी हमारी आईज से जो बिल्डिंग के टॉप पे लाइन ड्रॉ होगी वो क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट, और हमारे बेस से बिल्डिंग के बेस पे जो हमारा ड्रॉ लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक। अच्छा अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारी आईज से बिल्डिंग के टॉप पे हम देख रहे हैं, ठीक। तो जो हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हमारा एंगल जो बन रहा है ये स्लैंट हाइट का, हम ऐसे देखेंगे तो हमारा एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, उस एंगल को हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। जब हम नीचे से देखेंगे किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी टावर को तो जो हमारा एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक। तो अब ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, क्या हुआ ट्रायंगल बना, नहीं बना, ये मैंने ऐसे देखा बिल्डिंग को, ठीक, उसके बाद उसका बेस, ठीक, एक एंगल पे देखा ना, तो कौन सा ट्रायंगल बनेंगे कभी भी किसी भी हाइट मेजर करनी होगी टावर की या फिर क्या बोलते हैं बेस मेजर करनी होगी तो हम क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कांसेप्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन गया, देखिए ये ऑब्जर्वर की आई हुई, ठीक, ये हमारी बिल्डिंग कुतुब मीनार हुई, ठीक है। तो यहां से हमने देखा इसके टॉप पर, टॉप हमने सी ले लिया, ठीक, तो ए से सी पर हमने देखा तो ये हमारा क्या होगा लाइन ऑफ साइड, ठीक, और ए से बी ये हमारा क्या हो गया बेस, बेस क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक। अच्छा अब जो ये एंगल बना एंगल ए, ये जो हमारा एंगल बना ये हमारा क्या कहलाता है एंगल ऑफ इलेवेशन। तो जब भी हम नीचे से देखेंगे किसी भी चीज को तो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक। अब इसका कांसेप्ट यहां पे लिख देती हूं, क्या है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, हम क्या कर रहे हैं हाइट ऑफ कुतुब मीनार हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए सी जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा लाइन ऑफ साइड, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं बस आपको वही बताऊं कि भैया आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, तीन कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया आप जो बता रहे कोई बहुत ध्यान रखिएगा। ए सी क्या होगा हमारा लाइन ऑफ साइड, जहां से हम देख रहे होंगे टॉप पर, ठीक, वो लाइन हमारी क्या करेगी लाइन ऑफ साइड, ठीक। अच्छा ए बी हमारा क्या होगा, ए बी क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल। अच्छा अब एंगल ए जो हमारा ये एंगल बना एंगल सी ए बी, ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल सी ए बी ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। जब भी हम पीछे से देखेंगे तो जो भी एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक। अच्छा और एंगल बी हमारा 90 डिग्री है ही है, ठीक, तो एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था, अब ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी एंगल कंसीडर करते हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर, ये मैंने आपको पहले कौन सा बता चुकी हूं, तो उसके अपोजिट वाली साइड हमारी क्या है बीसी, तो ये हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर, बीसी हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। और ए बी तो हम जानते हैं हमारा क्या है बेस, ठीक, ए बी हमारा क्या है बेस। अच्छा ए सी जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट, क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा हमारा ए सी, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ऑब्जर्वर से उस बिल्डिंग की दूरी बताइए,
तो क्या करेंगे, मान लो हमें हाइट हाइट दे रखी है और एंगल दे रखा है, तो हम दूरी बता सकते हैं कैसे टी रेशियो के फॉर्मूले से। जब हमें बेस दिया होगा और एंगल दिया होगा और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा, तो हम टेन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों टेन थीटा में आते हैं। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया होगा तब हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, साइन का यूज करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, और बेस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका यूज करेंगे, कॉस का। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में हम कॉस का यूज कर सकते हैं और हाइपोटेन्यूज और बेस में हम सेक भी यूज कर सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने टी रेशियो की जो वैल्यू मैंने आपको बताई, टी रेशियो के फॉर्मूले से हम अपना हाइट और बेस या फिर लाइन ऑफ साइट की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया एंगल ऑफ इलेवेशन के ऊपर, ठीक। अब दूसरी चीज हमारी क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम यहाँ खड़े होकर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम किसी बिल्डिंग पर से, हम कहीं बिल्डिंग पे हैं, ठीक है, ऊंचाई पर है और हम ऑब्जर्व, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ कोई कार जा रही है या कोई बस जा रही है, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितनी दूर है हमसे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये चेंज हो जाएगा, केस में क्या होगा, ये देखिए मैंने फिगर बना रखा है इससे, तो क्या होगा, अगर जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है, यहाँ पे गर्ल खड़ी है, ठीक है, उसने क्या देखा कि यहाँ पे एक कार है, उसने कार को देखा, उसे पता करना है कि कार जो है वो बिल्डिंग से कितनी दूर है, तो क्या किया, अब जो ये गर्ल है इसने कार को देखा, तो इसकी आई से जो कार पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। जैसे कि यहाँ पे आप कर रहे थे, यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा क्या देख रहा था, बिल्डिंग को देख रहा था, तो बिल्डिंग के टॉप पे टॉप तक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलते थे, लाइन ऑफ साइट। ऐसे ही जब टॉप से हम बॉटम पे देखेंगे तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी लाइन ऑफ साइट रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पे गर्ल है, उसकी आई से, ठीक, अब कार का बेस तो हमारे यहाँ पे है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक बेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेस बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए से बी तक हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक। और जो इस गर्ल की आई से जो भी हमारा एंगल बनेगा कार के ऊपर, जो हमारा एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम फर्स्ट केस में, ये हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट, और ये हमारा केस सेकेंड। हम फर्स्ट केस में क्या कहते हैं, जो एंगल हमारा बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन। सेकेंड केस में जो हमारा एंगल बनेगा ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक, वो क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो अब इस केस में क्या हो गया, इन ट्राइंगल एबीसी, अब क्या हो जाएगा, हमारा जो एसी है वो हमारा लाइन ऑफ साइड हो जाएगा, लाइन ऑफ साइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि गर्ल यहां से देख रही है कार को, ठीक, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइड, ठीक। अब AB हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, AB क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, एंगल BAC ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, एंगल BAC क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हमारा एंगल हो गया, ठीक, तो इस एंगल की अपोजिट वाली साइड ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, एबी क्या हो जाएगा हमारा, बेस, और 90 डिग्री हमारा कहां पे, बी पे, इसकी अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, एसी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये हमारा दो केस हो गए, दो केस आपको याद रखने हैं, ठीक है। केस फर्स्ट हमारा हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, एंगल ऑफ इलेवेशन रहेगा हमेशा, ठीक है। और अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल की वैल्यू किस में लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको यही बोलेंगे, ठीक है। और हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, फिर हमें बेस दिया होगा या एंगल दिया होगा, ठीक है, तो हम अपना परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज, हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया है, तो हम अपना हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज
जितना समझ में आ रही हो तो आप क्या बोलते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन अपना रीड करेंगे, ठीक है, और वन बाय वन स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में बोल रखा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक। क्या बोला है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, मतलब कि उस पे चढ़ रहा है, ठीक है, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, मतलब कि एक पोल है वहां से टाई किया गया, उसे वहां से बांधा गया है, तो हमने एक पोल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा पहले हम वो ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये हमारा हो गया पोल, ठीक। अब क्या बोला है, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, मतलब यहाँ से उसे बांधा गया है, ठीक, और कहाँ बांधा गया है, टू ग्राउंड, मतलब कि इस पोल के टॉप से, टॉप ऑफ द पोल से उसे ग्राउंड पे बांधा गया है, ठीक, ये हमारा हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो टॉप ऑफ द पोल से ग्राउंड पे हमारा एक रोप बांधा गया है, तो ये हमने फिगर बना लिया, ये हमारा पोल का टॉप हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की क्या बतानी है, हाइट, हमें इस पोल की हाइट बतानी है, ये हाइट बतानी है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, क्या बोला है, एंगल जो है रोप ने बनाया है ग्राउंड के साथ वो कौन कितना बनाया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो टॉप से हमारा ग्राउंड में जो एंगल बना वो कितना बना है, 30 डिग्री, ठीक। तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का इलेवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, अब इसको हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये हमारा बी पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ठीक, हमारा वो फिगर बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट द हाइट ऑफ, लेट द हाइट ऑफ पोल बी 8 मीटर, ठीक, हमने मान लिया कि जो ये हाइट है ये हमारी क्या है, एक्स है, ठीक, मींस इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो हमारी रोप क्या है, यही तो है, एसी हमने रोप बांध ली है, ये क्या है हमारी 20 मीटर, ठीक। तो अब क्या है, लेंथ ऑफ रोप, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी, और एसी नहीं हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ साइड, ठीक, तो एसी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। और एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ग्राउंड क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक, यहाँ लिखें क्या, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ ग्राउंड क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, एबी दिया क्या हुआ हमें, एसी और एंगल दिया हुआ है, अच्छा अब एसी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल बी हमारा बी पे क्या है, राइट एंगल, तो इसके अपोजिट वाला हमारा होगा हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारा किसमें मिलता है, हमें या तो साइन में मिलता है या फिर हमें कॉसेक में मिलेगा, ठीक, क्योंकि साइन हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इन्हीं दोनों में हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों मिलेंगे, ठीक। तो हम या तो साइन यूज कर ले या फिर कॉसेक यूज कर ले, वो आप अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप साइन यूज कर लीजिए या तो कॉसेक यूज कर लीजिएगा, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, साइन यूज करेंगे, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारा,
perpendicular upon hypotenuse. ठीक, अब यहाँ पे हमारा perpendicular क्या हो जाएगा, इसके opposite देखिए AB हमारा perpendicular हो जाएगा, तो हम लिख देंगे AB upon hypotenuse क्या हो जाएगा हमारा AC. ठीक, अब AB की value हमें find out करनी है, ये कितनी है x upon hypotenuse, AC की value क्या है given है हमें 20 meter. अच्छा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी इससे पहले मैंने आपको चार्ट बताया तो उसमें sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2. ठीक, वो आपको याद रखनी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट याद करने का तरीका बताया है. तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. ठीक, तो हम यहां पे 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x upon 20 ये हो जाएगा. ठीक, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x. ठीक, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2. ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 मीटर, क्या हो जाएगी 10 मीटर, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10 मीटर. कैसे आई, क्या किया कुछ नहीं किया, sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC हो जाएगा, x अपॉन 20 आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 20 को इधर, 20 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 मीटर, मतलब कि हमारी जो हाइट आ गई पोल की वो कितनी आ गई 10 मीटर. अब देखिए इसमें बिंदु को इसलिए निकल गया, हाइपोटेन्यूज हमारा दिया हुआ था, हमने कुछ नहीं किया सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा हमने और उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ किया. बस हमें याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ क्लियरेशन बोलेगा तो हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, ग्राउंड लेवल से जो भी एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो हम टॉप लेवल से देखेंगे. ठीक, लाइन ऑफ साइट बोलेगा तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्वर कहां से कहां पे देख रहा है और कौन सी लाइन हमारी लाइन ऑफ साइट होगी. ठीक है, हमें वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमें पूछा है. ठीक, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लास्ट में जो आंसर निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि हेंस height of the pole is 10 meter. ठीक, ऐसे आप लिख दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगता है और एग्जामिनर भी मार्क्स आपको फुल देता है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले थोड़ा रीड करेंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद जैसे मैंने आपको जो तीन कॉन्सेप्ट याद रखने को कहे, देखिए इसमें तीन कॉन्सेप्ट आपके अभी दो यूज हुए हैं, क्या एक तो थ्री रेशियो वाला यूज हुआ है और फॉर्मूले वाला और एंगल वाला, अभी पाइथागोरस का हमारा यूज नहीं है बट वो आगे क्वेश्चंस में आपका यूज होगा. ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, मतलब कि कोई भी हमारा एक ट्री था वो स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, बेंड हो गया, ब्रेक हो गया और बेंड हो गया. सो that top of tree touches the ground, जो हमारा tree का, जब tree हमारा break हुआ तो जो top था उसका वो ground को touch किया, touches the ground making an angle 30 degree with it, ground से उसने कितना angle बनाया 30 degree का. the distance between the foot of the tree to the point where the top touches, tree के foot से जहाँ पे tree के top ने touch किया है वो distance क्या है हमारी 8 meter. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें जो ट्री पूरा था उसकी हाइट पता करनी है. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन रीड किया. ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा ट्री था, ये मैंने फिगर बनाया है, तो ये ट्री हमारा पूरा ऐसे था. ठीक, वो हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ और बेंड हो गया. ठीक, तो पहली चीज क्या बोली है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड से टॉप कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का. ठीक है, अच्छा, distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground, foot से जहाँ पे हमारा top touch कर रहा है, ये क्या है foot हमारा tree का और ये क्या है हमारा top. ठीक, तो जहाँ पे touch कर रहा है वो distance हमारी कितनी दे रखी है 8 meter. ठीक है, ये हमारी क्या दे रखी है 8 meter, ये हमारा हमने नाम दिया इसको, ये हमारा हो जाएगा 90 degree. ठीक, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, हमने नाम दे दिया, ये हमने दे दिया सी. ठीक, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है हमने सी दे दिया. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल की
मतलब कि हमारी से कितनी होगी, हमें ये हाइट बतानी है। हाइट तो हमारी पूरी होगी, मतलब कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक हमें ये फाइंड आउट, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, जब इसको हम ऐड करेंगे AB plus AC, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। पूरी ट्री की हाइट निकालेंगे ना, हमसे हाइट ऑफ ट्री पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें AB plus AC निकालना होगा ना। यही पे मिस्टेक होती है, क्या होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है, और हमने ध्यान देखा हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, हाँ हमें हमने माइंड क्लिक किया हमने उसका हाइट हमारी AB हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। AB हाइट क्यों होगी, क्योंकि हाइट तो हमारी पूरी होगी ना ट्री की, तो हम क्या करेंगे AB plus पहले AB और AC निकाल लेंगे और AB plus AC करते हैं कि वो हमारी क्या हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ये फिगर बना लिया, अब हमें क्या गिवन है, गिवन तो हमने यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी एक्स मीटर। ठीक, क्योंकि मीटर में वैल्यू दी हुई तो मीटर ही लेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक्स मीटर है। अब फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, एबी प्लस एसी होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा एबी प्लस एसी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एबी प्लस एसी बराबर क्या हो जाएगा एक्स मीटर। ठीक, ये हमारी मान लेते हैं इक्वेशन है वन। ठीक, समझ में आया, हाइट ऑफ द ट्री पूछा हमने, मान लिया कि एक्स मीटर है, एबी प्लस एसी। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ग्राउंड क्या है, 30 डिग्री नीचे एंगल बना हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, और डिस्टेंस फुट से लेकर टॉप जहां पर टच हो रहा है बीसी कितनी है 8 मीटर। ठीक, बीसी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। अच्छा, फाइंड हमें क्या करना है, हाइट, हाइट चाहिए हमें, क्या चाहिए, एबी चाहिए और एसी चाहिए। ठीक, हमारे पास बेस की वैल्यू है। ठीक, अगर हमारा 90 डिग्री ये है तो इसके अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, इस एंगल के हमारे अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ बेस है और एंगल है। ठीक, अब अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा किसमें होता है, टेन में होता है और किसमें होता है, कॉट में होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम ये परपेंडिकुलर मतलब एबी निकालने के लिए हम या तो टेन थीटा यूज कर सकते हैं या कॉट थीटा यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आपको टेन थीटा यूज करना है आप टेन थीटा यूज करिए, कॉट थीटा यूज करना है आपको कॉट थीटा यूज करिए। ठीक, अच्छा, अब अगर हमें एसी निकालना होगा तो यहाँ पे क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज और बेस हमारा गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज करेंगे। अच्छा, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा किसमें यूज होता है, कॉस में यूज होता है या सेक में यूज होता है। ठीक, कॉस क्या होता है हमारा, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मतलब हमें ये सोचना होगा कि हमें कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टी रेशियो के फॉर्मूले से देखेंगे कि कौन सा टेबल बेटर है, तो आप कॉस यूज करिए चाहे सेक यूज करिए। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करिए पहले एबी। ठीक, तो हम लिखेंगे फॉर एबी, एबी के लिए हमें क्या यूज करना होगा, टेन, कॉट भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एबी, बेस क्या है, बीसी। ठीक, एबी कितना है, एबी हमारा हमें फाइंड आउट करना है, एबी को हम ऐसे रहने देंगे, बीसी की वैल्यू कितनी है 8 डिग्री है ना। टेन 30 चार्ट से याद करिए, साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ऐसा आपको
गई 8 अपॉन रूट 3। अब हमें AC फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो हम AC फाइंड, अब मैं क्वेश्चन ये रखवा दे रही हूं, ठीक है? तो हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज और हमें क्या गिवन है? बेस, ठीक? तो अब फॉर AC, ठीक, क्या यूज करना है हमें? हमें हाइपोटेन्यूज और बेस पे काम करना है, तो हम cos थीटा यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम cos 30 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? AC, ठीक। अच्छा, अब BC की वैल्यू कितनी है? 8। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और cos 30 कितना होता है? cos 30 हमारा क्या होता है? √3/2, ठीक, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा √3 AC = 2 8 16, यही होगा, ठीक। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 16/√3, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक। AB की वैल्यू हमारी क्या आई? 8/√3 और AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 16/√3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब हमारा AB और AC निकल गया, अब हाइट के लिए हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है यहां से हमारी इक्वेशन में से? AB plus AC = x मीटर, ठीक। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री = क्या है हमारा? AB plus AC, ठीक है, = x, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? AB plus x की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB plus AC, AB कितना है हमारा? 8/√3 और AC कितना है हमारा? 16/√3, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? √3 LCM होगा, ठीक, सेम है। और 8 plus 16 कितना हो जाएगा? 24/√3, ठीक। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 24/√3। अच्छा, अब अगर ऐसी वैल्यू आए आपके पास 24/√3 आए, तो इसको आप रैशनलाइज क्या कर सकते हैं? √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्या आया हमारा? x = 24/√3 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 24/√3 √3/√3, तो निकालेगा 24/√3 और नीचे क्या जाएगा? √3 × √3 क्या जाएगा? 3। आप 3 से कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मतलब 3, 3 8 = 24, तो x कितना आ गया? 8√3 मीटर। x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 8√3। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? पहले हाइट पता की क्या होती है हमारी? AB plus AC हो जाएगी पूरी हाइट। फिर उसके बाद क्या किया? AB निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस का यूज होना था, हमने tan का फार्मूला लगाया, हमारा AB मिल गया हमें 8/√3 मीटर, ठीक। रूट से घबराइएगा मत, जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर AC के लिए हमने cos यूज किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें AC की वैल्यू क्या मिल गई? AB की हमें मिल गई 8/√3, AC की हमें मिल गई 16/√3 मीटर, ठीक है। फिर क्या किया? हाइट ऑफ द ट्री हमारी क्या थी? AB plus AC = x मीटर था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB plus AC, AB की वैल्यू क्या है? 8/√3 plus AC की वैल्यू क्या है? 16/√3। LCM लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, √3 आएगा, 8 + 16 हो जाएगा 24, 24/√3 आएगा। अब नीचे से अगर रूट में रहता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो √3 अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 से 24 कैंसिल होगा तो 8 बचेगा, 8/√3 मीटर। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस हाइट ऑफ, लास्ट में लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ is 8√3 मीटर, ये हम हमारा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कुछ नहीं किया था, क्वेश्चन पढ़ा था बस, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते गए, हमारा इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चंस में कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको जो भी मैंने समझाया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आप इजीली ये वर्ड प्रॉब्लम कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम में मैं जानती हूं सबको दिक्कत होती है, बट इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस जो मैंने कॉन्सेप्ट
बताया वो आपको याद रखना है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा या फिर जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, एक दो क्वेश्चन क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, दो दो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, तो वो क्वेश्चन आपको मैं नोट्स में मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी अपने, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल भी नहीं है, मुझे 90 डेज में आपका सिलेबस भी कम्प्लीट कराना है, ठीक है।